Hello friends, we have studied about the basic proportionality theorem in the last class और हमने बहुत डिटेल में इस basic proportionality theorem को discuss किया था. Now let's continue our topic and today we will discuss converse of basic proportionality theorem. Today we will discuss the converse of basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem ka converse. Okay. Now, converse means what? Converse means what? अगर मैं basic proportionality theorem की definition, basic proportionality theorem की statement को लिखता हूँ, so the statement is that statement is if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Okay, so what the basic proportionality theorem says that if a line drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides at two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि एक line जो कि parallel draw करी जा रही है, okay? किसी एक side के parallel draw कर रही है और वह दूसरी दो sides को अलग-अलग points पे intersect कर रही है, then जो अदर टू साइड्स है, जो दो दूसरी साइड्स है, वह दोनों बिल्कुल सेम रेशियो में डिवाइड होंगी. ओके, तो यहां पर पहले हम लाइन को पैरेलल कह रहे हैं कि लाइन पैरेलल ड्रॉ हो रही है और फिर हम कह रहे हैं कि यह पैरेलल लाइन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है. अब अगर मैं इसके कन्वर्स की बात करूं, इसके रिवर्स की बात करूं, तो रिवर्स में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि एक लाइन जो कि दो साइड्स को बराबर रेशियो में, इक्वल रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिवाइड कर रही है, वह लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है. ओके, सो हाउ विल वी राइट द कन्वर्स ऑफ बीपीटी? हाउ विल वी राइट द कन्वर्स ऑफ बीपीटी? वी विल से दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स द two sides of a triangle in same ratio, then it is parallel to the third side. ओके, तो बीपीटी कहती है कि एक लाइन जो कि पैरेलल है, वह दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. और कॉन्वर्स बीपीटी क्या कहता है? कॉन्वर्स बीपीटी कहता है कि एक लाइन जो कि दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, वह लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है. सो ट्राई टू सी द एनालॉजी बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स. दोनों एक दूसरे का रिवर्स है. यहां पर हम लाइन पैरेलल बता के और ये प्रूफ कर रहे हैं कि सेम रेशियो में डिवीजन हो रहा है. कन्वर्स में हम क्या करेंगे? कन्वर्स में हम सेम रेशियो में डिवीजन बता के ये प्रूफ करेंगे कि लाइन पैरेलल है. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनालॉजी. नाउ हाउ शुड आई प्रूव? कैसे प्रूफ करेंगे कि इस तरह का जो कन्वर्स बीपीटी है कि एक लाइन जो कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, उस लाइन की वजह से
वह लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है। लेट अस सी द प्रूफ, लेट अस सी द प्रूफ। ओके, सो फॉर बिफोर प्रूफ लेट अस फर्स्ट राइट द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, लेट अस फर्स्ट राइट द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। नाउ कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी सेज दैट इन अ ट्राइंगल, लेट अस सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में एक लाइन इस तरह से बनी हुई है, दैट इज डी ई, एंड इट इज गिवन दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, ये चीज हमें गिवन है, दिस इज अ गिवन कंडीशन। ऐसा हमें पता है कि हाँ डी ई जो लाइन है वह इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने पहले क्या किया था, हमें पहले गिवन था कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपको गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC है, और प्रूफ करना है कि ये लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल है। तो अब हमें पैरेलल को प्रूफ करना है, रेशियो सेम गिवन है, कैसे प्रूफ करेंगे, लेट अस सी दिस। बट बिफोर दैट वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, हमें ऐसा प्रूफ करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। इसका मतलब अभी क्वेश्चन शुरू करने के पहले हमें नहीं पता, हमारे पास ये कंडीशन नहीं है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ऐसा हमें गिवन नहीं है। ओके, सो अगर ऐसा गिवन नहीं है और डी ई अगर बी सी के पैरेलल नहीं है, तो कोई ना कोई साइड, तो कोई ना कोई लाइन तो ऐसी होगी जो बी सी के पैरेलल है। सो व्हाट वी विल डू इज, इफ डी ई इज not parallel to BC, then we will draw a line DE dash which is DE dash parallel to BC। अब देखिए, हमें ऐसा गिवन है कि सिर्फ ये रेशियो है, DE अभी BC के पैरेलल नहीं है। तो DE अगर BC के पैरेलल नहीं है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसी लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। तो अगर मैं BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, उसे हमने नाम दे दिया DE डैश। ओके, हम ऐसा मान लेते हैं कि DE डैश इज पैरेलल टू BC। DE डैश क्या है, BC के पैरेलल है, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। Its proof is very very simple, it's just analysis, there is nothing much mathematical, it's just analysis. So see how to prove. Sabse pehle hum dekhen given condition ko, given condition hai ki AD upon DB is equals to AE upon EC, ye hume given hai. So let us mark this as the first equation, hum ise pehli equation maan lete hain. Now AD upon DB is equals to AE upon EC, ऐसा गिवन है। फिर हम ये देखते हैं कि हमें गिवन है AD DE dash is parallel to BC। ओके, हमें क्या गिवन है कि DE dash is parallel to BC। So DE dash is parallel to BC, this is by construction हमने ऐसा construction किया। Now since I can see that DE dash is parallel to BC, तो DE dash is a line which is parallel to one side of the triangle and DE dash is intersecting the other two sides at two distinct points. Okay? Try to understand this. DE dash कैसी line है? DE dash एक वह line है जो कि BC के parallel है और AB और AC को दो अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, डी और डी पॉइंट पे और ई डैश पॉइंट पे। सो अगर डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूं
AD upon DB is equals to AE dash upon E dash C. How? ये कैसे कह दिया मैंने? This is by basic proportionality theorem. क्योंकि हम basic proportionality theorem को तो प्रूफ कर चुके हैं, तो definitely उसे तो हम यूज कर सकते हैं. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की मदद से मैं कह सकता हूं कि अगर डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है, तो डेफिनेटली ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी. ओके, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी. ओके, ऐसा हम कह सकते हैं बाय बी पी टी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, एंड लेट अस मार्क दिस एज द सेकेंड इक्वेशन. हम इसे सेकेंड इक्वेशन का नाम देते हैं. नाउ अब बड़े ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को. फर्स्ट इक्वेशन में AD अपॉन DB किसके बराबर है? AE अपॉन EC के. सेकेंड इक्वेशन में AD अपॉन DB किसके बराबर है? AE डैश अपॉन E डैश C के. तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू का यूज करके मैं कह सकता हूं दैट ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी. ओके, मैं कह सकता हूं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके, आई कैन राइट ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी. इस तरह का एक रिलेशन मैं डिटरमाइन कर सकता हूं यूजिंग द टू इक्वेशन. नाउ दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अब इस रिजल्ट को हम बड़े ध्यान से समझते हैं. देखिए ए ई क्या है? ए ई इज दिस पार्ट. ओके, इतना पार्ट. और ई सी क्या है? ई सी इतना पार्ट है. सिमिलरली ए ई डैश क्या है? इतना पार्ट है. और ई डैश सी ये इतना पूरा, यहां से यहां तक. अब AE, EC, AE डैश और E डैश C ये चारों पार्ट्स सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं. कौन सी लाइन? दे ऑल लाई ऑन द लाइन AC. ये चारों पार्ट्स AC के ऊपर लाई कर रहे हैं. अब देखिए मैं एक ही लाइन को, AC लाइन को दो बार दो अलग अलग पॉइंट्स में, दो अलग अलग पॉइंट्स की मदद से डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन फिर भी रेशियो सेम आ रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक ही लाइन पे दो अलग पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, बट फिर भी मैंने देखा कि इन दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा है. जो रेशियो ऑफ डिवीजन है वह सेम आ रहा है. ऐसा पॉसिबल ही कैसे है? ऐसा किस तरह से हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब ई और ई डैश कोइंसाइड कर जाएं. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर ई और ई डैश अलग अलग पॉइंट्स है, तो जरा सोचिए क्या ए ई और ई सी का रेशियो ए ई डैश और ई डैश सी के बराबर हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता. कैसे होगा? अगर ई डैश कहीं और शिफ्ट हो गया, ई डैश ई के ऊपर नहीं है, ई डैश कहीं और शिफ्ट हो गया, तो रेशियो बदल जाएगा, बिकॉज हम लाइन को अलग तरह से डिवाइड कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी रेशियो सेम दिख रहा है. सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ई एंड ई डैश आर को इनसाइडिंग. ओके, दे आर coinciding. Okay, so what in conclusion we can write is that since AE, EC, AE dash and E dash C all are parts of same line AC and still the ratio of division is same. Okay, and still the ratio of division is same. It clearly implies that E and E dash should coincide. E or E dash ko coincide kar jana chahiye. Aur jab E or E dash coincide kar jayenge, you will get only one line. Okay, when E and E dash will coincide, when E and E dash, when E and E dash coincides, in that case I will have DE is equals to DE.
ई डैश, उस केस में मुझे डी ई और डी ई डैश लाइन को इंसाइड्स करती दिखाई देगी और बिल्कुल बराबर दिखाई देगी। ऐसा दिखेगा कि डी ई और डी ई डैश दोनों एक ही लाइन है, ये दो अलग लाइन नहीं है। अगर ये दोनों एक ही लाइन बन जाती हैं, तो हमने कंस्ट्रक्शन से डी ई डैश को बी सी के पैरेलल बनाया था। सो कैन आई राइट इफ डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, आई कैन वेरी इजीली राइट दैट इन दैट केस डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी एंड दिस इज द फाइनल कंक्लूजन दैट वी नीड टू प्रूव। सो हेंस प्रूव्ड। ओके, हमने इसे प्रूव कर लिया। कैसे प्रूव करा? एक सिंपल कंस्ट्रक्शन से और कॉन्ट्रेडिक्शन से। हमने माना कि नहीं डी ई पैरेलल नहीं है, तो एक नई लाइन बना दीजिए डी ई डैश। फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि डी ई डैश और डी ई दोनों सेम ही लाइन है, वह दोनों लाइन अलग नहीं है। इसीलिए डी ई डैश अगर बी सी के पैरेलल है तो डी ई को पैरेलल होना ही पड़ेगा। ओके, दिस इज द प्रूफ फॉर कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट द फर्स्ट पार्ट द एक्चुअल बीपीटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसका स्टेटमेंट, इसका प्रूफ, इसके रिजल्ट क्वेश्चन में अप्लाई होंगे और सेम इसके साथ भी है, बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका इंपॉर्टेंस है बट इतना नहीं। ओके ओके, सो दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पूरी तरह डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो इसे नोट कर लीजिए। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिस शीट। हम प्रैक्टिस शीट में से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन, एंड द क्वेश्चन नंबर वन सेज इन द गिवन फिगर्स, इन द फिगर वन एंड टू, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट फिगर एंड ए डी इन सेकेंड फिगर। ओके, सो वॉट इट सेज इज देर आर टू ट्राइंगल्स गिवन एंड इन बोथ द ट्राइंगल्स डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ओके, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी वेयर एंड यू नीड टू डिटरमाइन ई सी, लेंथ ऑफ ई सी इन द फर्स्ट पार्ट एंड लेंथ ऑफ ए डी इन द सेकेंड पार्ट। ओके, सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, द फर्स्ट डायग्राम इज लाइक दिस। दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी एंड इन दिस ए बी सी ट्राइंगल यू हैव दिस लाइन this DE such that this DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. It is given that AD is 1.5 centimeters. Okay, then AE is 1 centimeters. Then BD is 3 centimeters. And then EC is unknown. We do not know what is EC. Now, here I need to determine the length of EC. Now, how should I determine? ये question कैसा है? इसमें एक triangle है, एक parallel line दी हुई है और पूछा है कि इसका side, इस side की length बता दो। कैसे बताएंगे? You can see जहां पर भी एक triangle में एक parallel line की बात करी जाती है, वहां पर आपके mind में basic proportionality theorem आनी चाहिए। ओके, जैसा कि इस ट्रायंगल में यहां पर ये कहना चाहते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE BC के पैरेलल है देन डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, अगर DE पैरेलल है BC के तो मैं कह सकता हूं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हाउ? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए, मैं यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख रहा हूं, बीपीटी लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको ब्रैकेट में पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ओके, दैट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल
to intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. ये पूरा का पूरा statement आप इस bracket के अंदर लिखेंगे. यहां पर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा by BPT या फिर by converse of BPT, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. ओके, लेकिन आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है एग्जाम में. नाउ अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो AD का लेंथ मुझे पता है कितना 1.5 सेंटीमीटर्स अपॉन BD का लेंथ मुझे पता है कितना 3 सेंटीमीटर्स इज इक्वल्स टू AE का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर और EC का लेंथ कितना है अननोन, तो उसे मैं EC ही लिख देता हूं. ओके, EC. सो फ्रॉम दिस आई विल गेट EC इज इक्वल्स टू 3 × 1 अपॉन 1.5. And when I solve this, 1.5 ones are, 1.5 twos are, 3, okay? So you will get EC is equals to 2 centimeters. So this is the length of EC. Yahi length hame determine karni thi. You can see it's very simple. Just theorem ko apply kara, theorem ko apply karke ye value humne determine kar diya, okay? So this is the length of EC. Now, let us solve the second part of this question. सेकेंड वाले पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं. सेकेंड पार्ट, ऑब्जर्व द ट्राइंगल इन द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है. ओके, एंड द ट्राइंगल इज ABC और DE एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि BC के पैरेलल गिवन है. तो दिस इज DE और यहां पर भी DE इज पैरेलल टू BC. ओके, DE क्या है, BC के पैरेलल है. नाउ इन दिस ट्राइंगल द लेंथ ऑफ AE, इस AE का लेंथ गिवन है 1.8 सेंटीमीटर्स, देन द लेंथ ऑफ BD इज गिवन एज 7.2 सेंटीमीटर्स, देन द लेंथ ऑफ EC इज गिवन एज 5.4 सेंटीमीटर्स एंड AD इज अननोन. हमारा टास्क है AD की वैल्यू को डिटरमाइन करना. अगेन हम देख सकते हैं एक ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन की बात की जा रही है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम माइंड में आनी चाहिए. अगर DE BC के पैरेलल है तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अगेन आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है. यहां पर मैंने सिर्फ BPT लिखा है. नाउ इन दिस रेशियो AD इज अननोन अपॉन DB. DB का लेंथ है 7.2 सेंटीमीटर्स इज इक्वल्स टू AE कितना है 1.8 सेंटीमीटर्स और EC कितना है 5.4 सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस 18 वन्स आर 18, 18 थ्रीज आर 54. So you will get AD is equals to 7.2 upon 3. So 3 2s are 6 and 0.3 4s are 12. So you will get the length of AD as 2.4 centimeters. AD ka length kitna mila aapko? 2.4 centimeters. Okay? 2.4 centimeters is the length of AD. अगेन हमने सेम कॉन्सेप्ट वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यहां पर भी अप्लाई किया और रिजल्ट मिल गया. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्लाई द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कहां पर थ्योरम अप्लाई करें और कहां पर अप्लाई नहीं करें. उसके लिए आप सिंपल सा एक लॉजिक सोचिए कि थ्योरम में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है, किस बारे में पढ़ा है, तो जहां पर भी वह चीजें आ रही हैं वहां पे हम उसे अप्लाई करेंगे. जैसा कि ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो सेम है, तो ये चीज हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़ा है, तो डेफिनेटली हो सकता है वहां पर बीपीटी या फिर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई हो जाए. अगर एक ट्रायंगल में कोई साइड पैरेलल दी हुई है, कोई एक लाइन किसी साइड के पैरेलल दी हुई है, तो वहां पर भी हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं. तो इस तरह से इसमें आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, आपकी थॉट स्किल, थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा. ओके, सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत डिफिकल्ट नहीं था. ओके, इजी क्वेश्चन था. नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड वन. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, इट सेज ई एंड एफ
are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR or not. Okay, so what the question says is, E or F, two points hain, kis pe? PQ or PR pe. PQ or PR kya hai? They are the two sides of the triangle PQR. PQR ek triangle hai, usme E or F, two points humne mark kare hain, PQ or PR pe. Okay, aur har ek case mein hume ye batana hai, ki kis case mein EF QR ke parallel hai ya fir nahi. Okay, so let us first draw the diagram for this question, question number 2. अगर हम इस क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वी विल ड्रॉ अ सिंपल ट्रायंगल. ओके, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर. तो पी क्यू आर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा. अब इस ट्रायंगल में ई और एफ दो पॉइंट्स हम मार्क करते हैं. ई और एफ दो पॉइंट्स हमने मार्क करा और एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी. ओके, पी क्यू और पी आर पे जो दो पॉइंट्स बन रहे हैं, हमने ई एफ को ई एफ एक लाइन ड्रॉ कर दी. नाउ इट सेज आफ्टर दैट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. हमारे सामने तीन कंडीशंस दी हैं, तीन अलग अलग लेंथ दी हैं. पी ई इज इक्वल्स टू 3.9, ई क्यू इज इक्वल्स टू 3, PF is equals to 3.6 और FR is equals to 2.4. हमें ये बताना है कि किस केस में EF QR के पैरेलल हो जाएगा, हमें ऐसा बताना है. अब देखिए, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि EF QR के पैरेलल है या फिर नहीं, तो ये चीज मैं कैसे पता करूंगा? हम ये पता करेंगे यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. कैसे? देखिए, इफ PE upon EQ is equals to PF upon FR, then EF will be parallel to QR. If PE upon EQ is equals to PF upon FR, देखिए, जब भी PE upon EQ PF upon FR के बराबर होगा, तब EF QR के पैरेलल हो जाएगी. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. क्या कहा मैंने? अगर PE upon EF PF upon FR के बराबर हो जाएगा, सॉरी, PE upon EQ PF upon FR के बराबर हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि EF is become parallel to QR. ओके, कैसे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, तो अगर हमें ये चेक करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है? हमें चेक करना है सिर्फ और सिर्फ यह रेशो. अगर ये रेशो सही आ रहा है, अगर पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है, तो हमारा काम हो गया. हम बता देंगे कि हाँ, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. ओके, so in this way we have developed a thought process for this question. So let us solve the first part of this question. Is question ka first part given hai ki PE ka length kitna hai? 3.9 centimeters. Okay, then EQ ka length kitna hai? 3 centimeters. Then PF ka length kitna hai? 3.6 centimeters. Aur FR ka length kitna hai? 2.4 सेंटीमीटर्स. ओके, एफ आर का लेंथ कितना है? 2.4 सेंटीमीटर्स. तो लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पीई एंड ई क्यू. पीई अपॉन ई क्यू कितना हो जाएगा? पीई अपॉन ई क्यू, पीई कितना है? 3.9. ई क्यू कितना है? 3. सो 3.9 अपॉन 3, व्हेन यू कैंसल दिस यू विल गेट 1.3. सो पीई अपॉन ई क्यू आया 1.3. इसी तरह से पी एफ अपॉन एफ आर भी हम कैलकुलेट करते हैं. PF upon FR, PF is 3.6, FR is 2.4. So you will get 12 3s are 36, 12 2s are 24. So this is 3 upon 2. Now, and this is 13 upon 10. Okay, 1.3 is 13 upon 10. तो अब देखिए,
पीई अपॉन ईक्यू आ रहा है 13/10, पीएफ अपॉन एफआर आ रहा है 3/2, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों रेशियोज बराबर हैं? नहीं, ये दोनों रेशियोज बराबर नहीं है. सो आई विल से सिंस पीई अपॉन ईक्यू इज नॉट इक्वल टू पीएफ अपॉन एफआर, इट इंप्लाइज दैट ईएफ इज नॉट पैरेलल टू क्यूआर. ओके, अगर पीई अपॉन ईक्यू बराबर नहीं है पीएफ अपॉन एफआर के, तो फिर ईएफ और क्यूआर पैरेलल नहीं हो सकते. ओके, देन लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. पीई इज गिवन एज 4 centimeters. ओके, देन क्यूई इज गिवन एज 4.5 centimeters. देन आई हैव पीएफ एज 8 centimeters एंड एफ आर और आर एफ एज 9 centimeters. ओके, सो दिस इज 8 centimeters एंड दिस इज 9 centimeters. नाउ अगेन हम कैलकुलेट करते हैं पीई अपॉन ईक्यू. ओके, पीई इज 4 अपॉन ईक्यू इज 4.5, तो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे और ऊपर जीरो चला जाएगा. सो दिस इज 40/45, देन 8, 5 8s are 40, 5 9s are 45, सो ये आ गया 8/9. ओके, सिमिलरली हम पीएफ अपॉन एफआर को भी कैलकुलेट करते हैं. पीएफ कितना है? पीएफ है 8 और एफआर कितना है? 9. सो पीएफ अपॉन एफआर आ गया 8/9. नाउ सी पीई अपॉन ईक्यू कितना है? 8/9. पीएफ अपॉन एफआर कितना है? यह भी 8/9 है. सो डेफिनेटली अगर पीई अपॉन ईक्यू इज इक्वल्स टू पीएफ अपॉन एफआर है, इट इंप्लाइज ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर. तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस केस में ईएफ एफआर के पैरेलल, सॉरी ईएफ जो है वो क्यूआर के पैरेलल होगी. ओके, कब? पीई अपॉन ईक्यू 8/9 दिख रहा है और पीएफ अपॉन एफआर भी 8/9, तो डेफिनेटली ये दोनों बराबर हैं. और क्योंकि बराबर हैं, इसलिए ईएफ क्यूआर के पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द कंडीशन. नाउ लेट अस सॉल्व द थर्ड वन. थर्ड केस में क्या गिवन है? थर्ड केस में पीक्यू का लेंथ गिवन है कितना? 1.28 centimeters. देन पीआर का लेंथ गिवन है 2.56 centimeters. देन पीई का लेंथ गिवन है 0.18 centimeters और पीएफ का लेंथ गिवन है 0.36 centimeters. तो PQ, PR, PE और PF का लेंथ गिवन है, लेकिन हम निकालना चाहते हैं रेशियो PE अपॉन EQ का. तो डेफिनेटली हमारे पास PE तो अवेलेबल है, लेकिन EQ अवेलेबल नहीं है. तो EQ का लेंथ कैसे निकालेंगे? देखिए, EQ क्या है? EQ इज अ पार्ट ऑफ PQ. सो फ्रॉम PQ इफ आई सब्ट्रैक्ट PE आई विल गेट EQ. तो मैं लिख सकता हूं EQ is basically equals to PQ minus PE. And what is PQ? It is 1.28 minus PE is 0.18. Okay, is it 0.18? Yes, it is 0.18. So you subtract this 1.10. This is the length of EQ. EQ ka length aa gaya. Similarly, hume yahan par PF upon FR chahiye. FR ka length nahi given. So, PR में से अगर मैं PF subtract कर दूं, तो I will get FR. So, I can write FR is what? PR minus PF. PR का length है 2.56, minus PF का length है 0.36. So, इसे subtract करेंगे, you will get 2.20. Okay? So, EQ का length आ गया 1.10, FR का length आ गया 2.20. क्या अब आप ratio calculate कर सकते हैं? हाँ, यस, चेक करते हैं. पीई अपॉन ई क्यू, पीई इज, पीई कहां पर है? 0.18. सो 0.18 अपॉन ई क्यू इज 1.1. ओके, एंड पीएफ इज 0.36 अपॉन
this PR, sorry, FR is 2.2. Okay, so when you solve this, this is 2 1s are 2.1 and this is 0.18. So yes, you will get 0.18 upon 11, sorry, 1.1 is equals to 0.18 upon 1.1. So इस केस में भी आप देखेंगे कि यह दोनों रेशियोज बिल्कुल बराबर हैं. जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, इसको डिवाइड कीजिए 1.1 से और इसको डिवाइड कीजिए 2.2 से एंड यू विल फाइंड कि दोनों रेशियोज बिल्कुल सेम आ रहे हैं. और क्योंकि रेशियोज सेम आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. ओके, सो यहां पर भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. So in this manner you need to solve the second question. Again you can see it is just the application of converse of basic proportionality theorem. Pure question mein humne bas isi condition ko use kiya. Ye condition hai converse of BPT ki. Okay? Ise note kar lijiye, fir hum third part pe move karenge.